डियर स्टूडेंट, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिजिक्स में मैं बता दिया था, फिजिक्स की परिभाषा और साइंस की परिभाषा और विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज के वीडियो में उससे आगे देखिए क्या बताया जाएगा, इस पर आते हैं। हमारा जो आज का पॉइंट है वह क्या है, रास, क्वांटिटी। रास क्या होती है, भौतिक विज्ञान में रास के बारे में जो बताया गया है कि जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सके उसे क्या कहा जाता है, रास कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। मतलब कि यह कह रहा है कि जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सके उसे क्या कहा जाता है, रास। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, किसी देश की जनसंख्या, मतलब उस देश की जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है कि कितना जनसंख्या है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितनी जनसंख्या है उसको एक संख्यात्मक मान दिया जा रहा है, वह क्या हो गई, रास। किसी मनुष्य का मासिक वेतन, किसी मनुष्य का मासिक वेतन पे यह बात हो रहा है कि उसका वेतन कितना है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, वह क्या हुआ, उसका मासिक वेतन, मतलब संख्यात्मक मान दिया जा रहा है, संख्या में बताया जा रहा है। किसी छात्र का प्राप्तांक, वह छात्र किसी परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया, तो वह संख्या में प्राप्त करता है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बोल दिया गया कि किसी छात्र का क्या है, इतना नंबर पाया, तो कितना नंबर पाया एक कन्फर्म नहीं है, नंबर में उसको बताया जाता है कि वो लड़का बताएगा कि कितना नंबर प्राप्त किया। यदि हाई स्कूल की बात है तो बताया जाता है कि 436 या 510 या जितना नंबर वो पाएगा वह उसका क्या कहलाएगा, प्राप्तांक। मतलब उसमें रास की बारे में बात किया जा रहा है कि वह कितना नंबर प्राप्त किया। तो यह हमारी क्या हो गई, रास, मतलब क्वांटिटी हो गई, संख्यात्मक मान जिसमें बताया जाता है वह क्या होती है, रास। अब भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि जिन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट हमेशा रखिए कि जिन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक राशियां कहते हैं। हमेशा रखिएगा कि इसमें क्या कह रहा है कि संख्यात्मक मान में कि जिसे संख्या के रूप में मान दिया जाए वह क्या होता है, रास। और इसमें क्या है कि जिन राशियों में, मतलब आपकी रास वही रहे, रास में किसका पालन हो, भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन हो, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक राशियां। एग्जाम्पल देखिए लिए किसी कमरे का ताप, जैसे यदि मान लिया गया कि ये कह रहे 25 डिग्री सेल्सियस, इसका अर्थ है कि इसमें 25 तो क्वांटिटी हो रही है और ताप माने टेम्परेचर की जो बात हो रही है वह क्या है, ताप क्या है, भौतिक विज्ञान इसमें नियम का पालन किया जाएगा टेम्परेचर में। क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई जो है वह कितना लंबाई का है, उसमें भी लंबाई, ताप या द्रव्यमान या बल में इसमें भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन किया जाता है। किसी कण का द्रव्यमान, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यह सब इसमें क्या होगा कि भौतिक विज्ञान के नियमों का क्या किया जाएगा, पालन। जैसे बल की परिभाषा भौतिक विज्ञान में बताया जाता है, द्रव्यमान की परिभाषा, किसी कण की लंबाई में उसमें कितना कण है यह बताया जाता है, ताप में टेम्परेचर कितना है कमरे का, या कि तो कमरे का हो चाहे वायुमंडल का टेम्परेचर, वह सब क्या होता है, उसमें भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन कराया जाता है। तो यह हमारा क्या हो गया, भौतिक राशियां और रास। अब उसके बाद देखिए आगे, तो देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या है कि यूनिट, मात्रक। फिजिक्स में मात्रक क्या है या विज्ञान में मात्रक का प्रयोग क्या किया जाता है, उसमें देखिए भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि का यदि कोई चीज है उसको मापन के लिए यदि माप किया जा रहा है, तो मापन के लिए उसी राशि का एक निश्चित परिमाण,
को मानक चुन लिया जाता है और इस मानक को ही क्या कहा जाता है, उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें नीचे आइए, इसमें मानक जो दिया गया है, मानक मापन के लिए हमको दो राशि की आवश्यकता होती है। पहला तो संख्यात्मक मान, किस राशि की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान, और दूसरा मात्रक। जैसे आप देखिए कहा जाए कि 25 किग्रा, इसका अर्थ है यह संख्यात्मक मान हो गया और यह इसका क्या हो गया, मात्रक। तो किसी राशि का मात्रक और मापन में क्या है कि किसी राशि में दो चीज की आवश्यकता होती है, वह एक संख्यात्मक मान होता है और एक क्या होता है, उसका क्या कहलाता है, मात्रक, कोई भी हो। जैसे कहा जाए 100 मीटर, तो 100 हमारा क्या हो गया, संख्यात्मक मान, और मीटर क्या हो गया, मात्रक। तो किसी राशि को बनाने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। अब देखिए इसमें मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियां होती है कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे मूल भौतिक राशियां कहते हैं। मूल भौतिक राशियां की परिभाषा कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे मूल भौतिक राशियां कहते हैं। और विज्ञान में कुल 7 मूल भौतिक राशियां हैं, जो 6 फिजिक्स के हैं और 1 केमिस्ट्री का है। तो देखिए 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इसमें। जैसे आपकी लंबाई, अब लंबाई में चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों आएगा। फिर उसके बाद आपका द्रव्यमान, ठीक, समय, ताप, और उसके बाद ज्योति, तीव्रता, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद छठवां है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, और सत्वा पदार्थ की आणविक मात्रा। देखिए यह 7 जो है वो हमारा इसमें, जैसे इसको हम लंबाई चौड़ाई को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे दूरी, इसी को टोटल को इसी में दूरी में आएगा कि पहला हमारा जो 7 मूल भौतिक राशि है, पहला दूरी, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, और 7वां है पदार्थ की आणविक मात्रा। शुरू के जो 6 है, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, यह फिजिक्स में है, ये सभी क्या है, 6 फिजिक्स में है। और पदार्थ की आणविक मात्रा जो है वह क्या है, केमिस्ट्री का है। तो दूरी देखिए कैसे एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसको मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे दिया जाए कि किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए, तो बताया जाता है कि लंबाई 10 मीटर है, 50 मीटर है, या इतने फीट है, और लंबाई चौड़ाई का मात्रक जानते हैं मीटर में होता है। किसी कमरे की लंबाई नापना हो, बताएंगे कि इतना मीटर है, मतलब 20 मीटर 25 मीटर जो है उसको मीटर में बना रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की लंबाई या किसी कमरे की लंबाई निकालना है, तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि 25 किग्रा मीटर, यह नहीं कहा जाता है, या ऐसे नहीं कहेंगे कि 20 मीटर सेकेंड, यह ऐसे लंबाई नापा नहीं जाता है। उसमें सिर्फ ये कहा जाएगा 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर, 40 मीटर, यह जो होगा आपका उस लंबाई नापने में मीटर में बताया जाएगा, चाहे चौड़ाई बताया जाए, चाहे ऊंचाई, जैसे कहा जाए
कोई किसी पेड़ या किसी छत की या किसी मीनार की ऊंचाई नापना हो तो क्या कहेंगे? इतने मीटर ऊंचा या लंबा, लंबाई कहेंगे तो लंबाई में बोलेंगे, चौड़ाई कहेंगे चौड़ाई में, और ऊंचाई कहेंगे तो ऊंचाई में बोलेंगे। उसके साथ किसी अन्य दूसरे मात्रक का प्रयोग नहीं करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जितने भी तीनों राशियां हैं, तीनों राशियों मतलब दूरी, दूरी भी नापना हो, जैसे आपको कहा जाए कि किसी की दूरी की, यदि कहा जाए कि इलाहाबाद से बनारस के बीच की दूरी कितना है तो आप कहेंगे कि 130 किमी। उसमें अन्य चीज किमी मतलब मीटर का बड़ा मात्रक किमी, किमी में कन्वर्ट किया गया। उसमें यह नहीं कहा गया है कि इलाहाबाद से बनारस की दूरी जो है 130 किमी सेकेंड है या इतना किग्रा है, या ये नहीं कहा जा रहा है कि 130 मीटर या किमी डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो उसमें हमको एक ही राशि की जरूरत है, किसकी जरूरत है? किमी की जरूरत है। अब द्रव्यमान पे आइए। द्रव्यमान में किसी वस्तु का वजन यदि बताया जाता है तो वजन में यही बताया जाएगा कि 20 किग्रा, 25 किग्रा या 1 कुंतल या 75 किग्रा, तो किग्रा में ही बताया जा रहा है, उसके साथ दूसरा मात्रक नहीं लगाया जा रहा। यदि कहा जाए आप अपना ही वजन बताइए तो कहें यदि 45 केजी के हैं तो यह नहीं कहेंगे कि 45 केजी सेकेंड या 45 केजी केल्विन, ऐसा नहीं बताएंगे, सिर्फ कहेंगे कि हमारी वजन कितना है, 45 किग्रा है। इसका अर्थ है कि इसमें दूसरे राशि का प्रयोग नहीं हुआ। समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड में भी वही बताएंगे यदि कितना बज रहा है तो 3:40 या इतना सेकंड। उसमें अन्य मात्रक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि यदि 9:00 हो रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे 9:00 ऐसे नहीं बताया जाता है। तो इसी प्रकार ताप, किसी ताप का मतलब कमरे का ताप हो या वायुमंडल का ताप हो, किसी का ताप बताना हो तो बताएंगे इतना जी। जैसे यदि हमारे पास इस समय तापमान इस समय है, यदि मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, उसमें ऐसा नहीं कहेंगे 25 डिग्री सेकेंड है या 25 डिग्री किग्रा है, सिर्फ किसका वो बताएंगे, ताप का ही मात्रक का प्रयोग करेंगे। जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, 45 एम्पियर, वही बताएंगे। पदार्थ की आयुष का मात्रक क्या होता है, मोल। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हम इसका मूल राशियों के बारे में, मूल मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है मूल मात्रक, क्या कहते हैं कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मतलब जो मूल भौतिक राशियां हैं सातों, इन्हीं का जो मात्रक होगा उन्हीं को क्या कहा जाएगा, मूल मात्रक कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर देखिए कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मूल मात्रक। परिभाषा बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे मूल भौतिक राशियों के मात्रक को, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए इनका सभी का मात्रक क्या है, एक साइड आप लिखिए मूल राशियां और एक साइड मूल मात्रक। पहला आपका क्या है, दूरी, जो दूरी में क्या क्या आएगा, दूरी में देखिए लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो किससे जोड़ करते हैं यम से। दूसरा नंबर है द्रव्यमान, द्रव्यमान है मास, इसका मात्रक क्या होता है किग्रा, किग्रा को किससे नोट करते हैं केजी से। तीसरा नंबर समय, समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको यस से नोट करते हैं। चौथा आपका विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, इसको ए से नोट करते हैं। पांचवा ज्योति तीव्रता, इसकी इसका मात्रक कैंडिला, तो सी डी से नोट करते हैं। छठवा आपका एक ताप, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे बोलते हैं। सातवां ये आपका केमिस्ट्री से पदार्थ की आणविक मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल, MOL लिखते हैं, पूरा नाम MOL ही है। ये हमारे क्या है मूल राशियां और मूल मात्रक, तो मूल राशियां और मूल मात्रक क्या है कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और पूरे साइंस में सिर्फ कितनी मूल राशियां हैं, सात मूल राशियां, शुरू के छह जो हैं वह फिजिक्स के हैं और सातवां क्या है हमारा यह केमिस्ट्री से लिया गया है। तो आज के वीडियो में क्या बताया गया, मूल राशियां, मूल मात्रक, मापन और यह सब वीडियो बनाने के बाद अब आगे जो अगला वीडियो बनेगा वह मूल भौतिक राशियों के बारे में फिर आगे चलेंगे, तो मूल भौतिक राशियों के बारे में फिर आएगा, अदिश राशि सदिश राशि इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।